हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कमल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल से विद कमल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल सी मूरी का डिज़ाइन, जिसे मैंने कटवर्क के साथ रेडी किया है। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप भी आसानी से इसे बना सकते हैं। और उससे पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। मैंने पेस्ट कर लिया फैब्रिक पे बुकरम को, और मैंने इसके लिए जो रेडीमेड ही आती है कटवर्क वाली बुकरम वो यूज़ की है। ये पेस्टिंग बुकरम है और ये आपको जहाँ पे स्टिचिंग मटेरियल मिलता है वहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। आप अपने हिसाब से कटवर्क का साइज़ ले सकते हैं, ये छोटे बड़े साइज़ में अवेलेबल है मार्केट में, तो आपको जितना चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैंने जो मूरी कट की है उसकी मैंने लेंथ 17.5 इंच कट की है और जो इसकी विड्थ है वो 2.25 इंच की है। तो ये आपको विड्थ वाइज भी ज़्यादा मिल सकती है मार्केट में, मैंने इतनी ही विड्थ वाली ली है। और अब हम इसमें सेंटर मार्क कर लेंगे। जैसे हमने इस पे मूरी पे सेंटर मार्क किया था वैसे ही हमें सलवार पे भी सेंटर मार्क कर देना है। और दोनों को सेंटर से मिलाते हुए हमें एक रफ स्टिच लगाएंगे बुकरम के ऊपर। हमें फैब्रिक को एक साथ रखते जाना है और ये सिलाई लगानी है, और जो हमारा स्टिचिंग मार्जिन है उसको हमें खोल के रखना है। इसी तरह हमें फिर से सेंटर से सिलाई हमें दूसरी तरफ लगानी है। अभी जो हमने रफ स्टिच लगा लिया है, हमें उसी तरह से स्टिचिंग मार्जिन को खोल के रखना है और हमारी सिलाई जो है पैटर्न के अकॉर्डिंग शुरू करनी है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, हमें इसी तरह हमारी बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। आपको मशीन को इसी तरह धीरे धीरे मूव करते हुए, हाथों से सेट करते हुए फैब्रिक को चलाकर इसी के हमें बुकरम के साथ साथ हमारा डिजाइन रेडी करना है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कर दें। और इसी तरह हम पूरे कटवर्क बना लेंगे। तो हमने कटवर्क बना लिया। अभी जो हमने रफ स्टिच लगाई थी मूरी को अटैच करते टाइम, वो हमें निकाल देनी है पूरे फैब्रिक में से। और अब हम इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है कट कर देंगे। हमें कटवर्क की शेप के अकॉर्डिंग ही इस फैब्रिक को कट करना है। हमें बहुत ही थोड़ा मार्जिन छोड़ना है। अगर आप ज्यादा मार्जिन छोड़ेंगे कटवर्क में तो आपको जब सीधा करेंगे तब सफाई के साथ सीधा नहीं होगा। और अभी हमें स्ट्रेट कट भी लगा देने हैं। बस हमारी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए, हमें बिल्कुल साथ साथ इसके कट लगा देने हैं। इसी तरह हम पूरी मूरी पे कट लगा लेंगे। मैंने पूरी मूरी पे कट लगा लिए हैं। अब हम इसे बुकरम को उल्टी साइड उल्टा देंगे। और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हम इस पे आयरन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे प्रेस करने के बाद बहुत ही फिनिशिंग आई है हमारी मूरी पे। और अब हम बिल्कुल साथ साथ इसके एजेस पे सिलाई लगाएंगे। आपको ये सिलाई जो है बहुत ही सफाई के साथ लगानी है। और अब जो है हम हमारे कटवर्क के बिल्कुल एजेस पे सिलाई लगाएंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ये सिलाई नहीं लगाना चाहते तो आप मत लगाएं। हमें उसी शेप में सिलाई लगानी है जिस शेप में हमें कटवर्क बनाया है, और हमें प्रॉपर फिनिशिंग के साथ ये सिलाई लगानी है, वरना अगर हम ये सिलाई अच्छे से नहीं लगाएंगे तो मूरी का डिजाइन इतना अच्छा नहीं दिखेगा हमारा। और इसी तरह हम एंड तक सिलाई लगा देंगे। मैंने सिलाइयां लगा ली हैं तो आप देख सकते हैं कितनी हमने फिनिशिंग के साथ रेडी की है हमारी मूरी को। और ऊपर मैं इसी तरह से सिलाई लगा दूंगी। अगर आप बिगिनर्स हैं तो पहले आप चौक से मार्क लगा के ये वाली सिलाई लगाएं। और जहाँ पे हमारा कटवर्क है वहां पे हमें सीधी लाइंस ड्रॉ करनी है जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। इसी लाइंस की हेल्प से हमें हमारा जो हमने नीचे कटवर्क बनाया उसी शेप में हम सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो आप पूरी मूरी पे पहले इस तरह से मार्क लगा के कटवर्क ड्रॉ कर लें एंड तक, अगर आप बिगिनर्स हैं तो। और इन्हीं मार्क के ऊपर हमें कटवर्क की शेप में सिलाइयां लगानी है। हमें उसी मार्क पे रुकना है जो हमने स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की थी, वहां पे हमें रुकना है।
और उसी शेप में हमें कटवर्क बना देनी है। हमारी एक सिलाई कंप्लीट हो गई है और इसी तरह से हम ऊपर की तरफ भी सिलाइयां लगाएंगे। आप चाहें तो पहले ड्रॉ कर लें, चौक से निशान लगा लें, वरना आप वैसे ही फुट का मार्जिन लेते हुए ये लाइंस आप लगा सकते हैं। सेम जैसे हमने नीचे की तरफ लगाई थी वैसे ही हमें दूसरी लाइन को भी कंप्लीट कर लेना है। मैंने और भी बहुत सी सलवार की मुरी के डिजाइन शेयर किए हुए हैं मेरे चैनल में, आपको मैं उनका लिंक एंड स्क्रीन में भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप वहां पे भी क्लिक करके देख सकते हैं वीडियोस को। और देखिए हमारी जो मुरी है वो कंप्लीट हो गई है। मैंने पांच लाइनें, पांच जो है कटवर्क शेप में सिलाइयां लगाई हैं और अभी हम फ्रेंड्स इसकी फिटिंग की सिलाई भी लगा देंगे मुरी के अकॉर्डिंग। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी जो सलवार वो कंप्लीट है और ये इसकी मुरी की फाइनल लुक है। आप इसी तरह अपनी सलवार को स्टाइलिश लुक दे सकते हैं। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप और भी मुरी के डिजाइन की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज आप मेरा चैनल विजिट करें, और अगर आपको ये मेरा डिजाइन अच्छा लगा तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कर दें और मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको ये वाला डिजाइन कैसा लगा। और अब हम मिलेंगे नई वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।